आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके गैस तो आप बहुत ही आसानी तरीका से अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड को पता कर सकते गैस, नहीं तो आप न्यू पासवर्ड भी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो गाइस, जब आप स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करेंगे उस वक्त भी गैस आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहेंगे उस वक्त भी गैस आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो गैस पासवर्ड को कैसे पता करना, एकदम आसान सा तरीका मैं बताऊंगा गैस। आप देख किस बात की, इस वीडियो में पूरे लास्ट बने रहे, तो गाइस ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करना होगा, स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो जस्ट मैंने स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लिया, फिर गाइज यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है गाइज। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोफाइल का आइकन बना हुआ कॉर्नर पे, सिंपल उस पर क्लिक कर लेना आपको। फिर गाइज आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा गाइज। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक सेटिंग का आइकन बना हुआ कॉर्नर में, सिंपल उस पर क्लिक कर लेना। फिर गाइज आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पे गाइज आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे गाइज। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पासवर्ड का। तो सिंपल आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लेता हूँ गाइज। फिर गाइज आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा गाइज। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा गाइज, पर आपको तो पासवर्ड याद नहीं, आप तो पासवर्ड भूल चुके हैं गाइज। तो इसके लिए क्या करना होगा गाइज, आपको नीचे में देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फॉरगॉट योर पासवर्ड, सिंपल आपको उस पे प्रेस कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉरगॉट योर पासवर्ड पे सिंपल प्रेस कर लेता हूँ गाइस। फिर गाइस आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पे गाइस आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फोन और एक ईमेल। तो आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोन वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लेता हूँ जो फर्स्ट में। फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो गाइज आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को टाइप कर लेना, हमारा ऑलरेडी आ चुका है गाइज। तो फिर गाइज आपको यहाँ पे नंबर टाइप करने के बाद गाइज आपको नीचे में देख सकते हैं एक वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल उस पर क्लिक कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लिया गाइज। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा गाइज। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लेना जो लिखा हुआ सेंड वाया टेक्स्ट। तो चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लेता हूं, आपको भी कर लेना। फिर गाइज यहां पे आपका कोड जो ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर नहीं लेगा तो आपको टाइप कर लेना। देखिए गाइज यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ न्यू पासवर्ड और सेकंड में लिखा हुआ कंफर्म पासवर्ड। तो गाइज आपको यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड को एक बना लेना है, थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए गाइज। आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे तो आपको पासवर्ड भी पता चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नया पासवर्ड को बना लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना नया पासवर्ड को बना लिया। नया पासवर्ड बनाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लेना जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ योर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड, मतलब गाइज आपका पासवर्ड अपडेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप बहुत ही आसानी तरीका से अपने पासवर्ड को पता कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, एक प्यारा सा कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबाना ना भूलें। तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।